हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से देख रहे हैं। लगातार बिलासपुर, सोलन, नालागढ़, शिमला वाले रीजन और मंडी वाले रीजन में बारिश हो रही है और ये ताज़ा नुकसान की जो तस्वीरें हैं आप बिलासपुर के दगसेज के पास की देख रहे हैं, जहां पहाड़ी धंसने से सड़क पर खड़े दो ट्रक, एक छोटी गाड़ी और एक ट्रैक्टर के नीचे दब जाने की सूचना है। एक मकान जो साथ में था उसको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें आप बिलासपुर की देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने भयंकर ढंग से यहाँ पे भूमि धसा हुआ है। दरअसल ये गाड़ियाँ खुली जगह पे खड़ी हुई थी, पार्क की हुई थी, साथ में ही ढाबा बताया जा रहा है और ये लोग नाइट हॉल्ट के लिए वहाँ थे और रात को भारी बारिश के बाद सड़क के दूसरी तरफ से पहाड़ आया जो सड़क और इन पार्क की हुई ट्रक और दूसरी गाड़ियों को अपने साथ ले गया। यह ऐसी सूचना है कि आधा दर्जन के आसपास छोटी बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं। दो बड़े ट्रक विजिबल हैं, एक छोटी गाड़ी भी विजिबल है। हाँ, इतना जरूर है कि जान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सुबह सुबह ये बड़ा हादसा बिलासपुर में। कल सुबह सुबह जो है बिलासपुर और मंडी के बॉर्डर पर कांगू में बस धस गई थी, वो चलती बस के नीचे से जमीन खिसक गई थी। यहाँ ये ट्रक पार्क करके रखे हुए थे। नॉर्मली ये ट्रक जो है एन रूट होते हैं दाड़ला घाट से रोपड़ के लिए। ये क्लिंकर और सीमेंट की ढुलाई करने वाले मल्टी एक्सल ट्रक हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। ये रात को यहां पे पार्क किए हुए थे। अब ये इतनी सूचना अभी फिलहाल नहीं है कि ये जिन्होंने पार्क की थे ऊपर लोकल गांव के रहने वाले थे या जो नॉर्मल ट्रैफिक चलती है ट्रक्स की, उन ट्रक ड्राइवर्स की ये ट्रक थे। लेकिन भारी नुकसान आप देख सकते हैं तस्वीरों में और ये इस वक्त का बड़ा जो अपडेट है बिलासपुर से आ रहा है। इसके चलते जो है पूरी तरह से जो शिमला और बिलासपुर के बीच का, या यूं भी आप कह सकते हैं कि धर्मशाला शिमला हाईवे जो है वो बंद हो गया है फिलहाल और एक डायवर्जन रूट दिया गया है जो दाड़ला मोड़ से बाया खैरी होके फिर जुखाला आता है, उस डायवर्जन रूट से जो है गाड़ियों को, ट्रैफिक को थ्रू किया जा रहा है। हालांकि लोगों को यही एडवाइजरी जारी की गई है पुलिस की ओर से कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वो इस रोड पर सफ़र के लिए ना निकलें, क्योंकि जो डाइवर्जन रूट्स हैं वो भी भीतरी संपर्क मार्ग हैं और वहाँ पे भी बारिश के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। आज और कल का विशेष रूप से पूरे प्रदेश में 8 जिलों में ऊना, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर, इनको छोड़कर बाकी 8 जिलों में हैवी बारिश का अलर्ट है और कुछ जगह फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट है। कल बल घाटी का आपने नज़ारा देखा था, वहाँ पे पूरी की पूरी बल घाटी जलमग्न है। अभी भी वहाँ कोई राहत नहीं है और इनफेक्ट राहत कार्य शुरू ही नहीं हो पाया क्योंकि वो तब शुरू होंगे जब पानी उतरेगा। ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि अगर बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक नहीं है तो आप अपनी यात्राओं को फिलहाल स्थगित रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये तस्वीरें आप बिलासपुर की देख रहे हैं जहाँ भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। देर रात एक बड़ा लैंडस्लाइड आया जो अपने साथ ना सिर्फ 10 से 15 मीटर सड़क के पैच को ले गया बल्कि दूसरी ओर जो गाड़ियां पार करी थी उनको भी नीचे ले गया। ये तस्वीरें आप हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से देख रहे हैं। लगातार बिलासपुर, सोलन, नालागढ़, शिमला वाले रीजन और मंडी वाले रीजन में बारिश हो रही है और ये ताज़ा नुकसान की जो तस्वीरें हैं आप बिलासपुर के दगसेज के पास की देख रहे हैं, जहां पहाड़ी धंसने से सड़क पर खड़े दो ट्रक, एक छोटी गाड़ी और एक ट्रैक्टर के नीचे दब जाने की सूचना है। एक मकान जो साथ में था उसको भी नुकसान पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें आप बिलासपुर की देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने भयंकर ढंग से यहाँ पे भूमि धसा हुआ है। दरअसल ये गाड़ियाँ खुली जगह पे खड़ी हुई थी, पार्क की हुई थी, साथ में ही ढाबा बताया जा रहा है और ये लोग नाइट हॉल्ट के लिए वहाँ थे और रात को भारी बारिश के बाद सड़क के दूसरी तरफ से पहाड़ आया जो सड़क और इन पार्क की हुई ट्रक और दूसरी गाड़ियों को अपने साथ ले गया। यह ऐसी सूचना है कि आधा दर्जन के आसपास छोटी बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं। दो बड़े ट्रक विजिबल हैं, एक छोटी गाड़ी भी विजिबल है। हाँ, इतना जरूर है कि जान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सुबह सुबह ये बड़ा हादसा बिलासपुर में। कल सुबह सुबह जो है बिलासपुर और मंडी के बॉर्डर पर कांगू में बस धस गई थी, वो चलती बस के नीचे से जमीन खिसक गई थी। यहाँ ये ट्रक पार्क करके रखे हुए थे। नॉर्मली ये ट्रक जो है एन रूट होते हैं दाड़ला घाट से रोपड़ के लिए। ये क्लिंकर और सीमेंट की ढुलाई करने वाले मल्टी एक्सल ट्रक हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। ये रात को यहां पे पार्क किए हुए थे। अब ये इतनी सूचना अभी फिलहाल नहीं है कि ये जिन्होंने पार्क की थे ऊपर लोकल
लोकल गांव के रहने वाले थे या जो नॉर्मल ट्रैफिक चलती है ट्रक्स की, उन ट्रक ड्राइवर्स की ये ट्रक थे। लेकिन भारी नुकसान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और ये इस वक्त का बड़ा जो अपडेट है बिलासपुर से आ रहा है। इसके चलते जो है पूरी तरह से जो शिमला और बिलासपुर के बीच का, या यूं भी आप कह सकते हैं कि धर्मशाला शिमला हाईवे जो है वो बंद हो गया है फिलहाल, और एक डायवर्जन रूट दिया गया है जो दारला मोड़ से बाया खैरी होके फिर जुखाला आता है, उस डायवर्जन रूट से जो है गाड़ियों को, ट्रैफिक को थ्रू किया जा रहा है। हालांकि लोगों को यही एडवाइजरी जारी की गई है पुलिस की ओर से कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वो इस रोड पर सफ़र के लिए ना निकलें, क्योंकि जो डायवर्जन रूट्स हैं वो भी भीतरी संपर्क मार्ग हैं और वहाँ पे भी बारिश के कारण दिक्कतें आ सकती हैं। आज और कल का विशेष रूप से पूरे प्रदेश में 8 जिलों में ऊना, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर, इनको छोड़कर बाकी 8 जिलों में हैवी बारिश का अलर्ट है और कुछ जगह फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट है। कल बल घाटी का आपने नज़ारा देखा था, वहाँ पे पूरी की पूरी बल घाटी जलमग्न है, अभी भी वहाँ कोई राहत नहीं है और इनफेक्ट राहत कार्य शुरू ही नहीं हो पाया, क्योंकि वो तब शुरू होंगे जब पानी उतरेगा। ऐसी स्थिति में बेहतर यही है कि अगर बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक नहीं है तो आप अपनी यात्राओं को फिलहाल स्थगित रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये तस्वीरें आप बिलासपुर की देख रहे हैं।